क्या आप सभी का आज पलवल की तरफ एक प्रोग्राम था और आपकी युवा टीम ने ये कहा कि एक छोटी सी मीटिंग हमारे यहाँ भी करना चाहते हैं, तो मैंने कहा कि नू में जरा करंट चेक कर लेते हैं। तो आज मैं इन नौजवानों की टीम का हौसला देखने के लिए आया था। इनका हौसला बुलंद है। राजनीति में जो पहले से जमी जमाई पार्टियां हैं और जो परिवार हैं, वो नहीं चाहते कि राज उनके आंगन से निकल के जाए, इसलिए युवा बच्चों को उभरते हुए देखना नहीं चाहते, इसलिए ये पूरी ताकत लगाते हैं जब भी कोई नई पार्टी कोई नई शक्ति उभरने की कोशिश करती है। मैंने आज इनका करंट देख लिया। आप लोग बिल्कुल अपना दिल मत तोड़ना, मैं आपको ये कह के जा रहा हूं, अगले एक महीने के अंदर इसी नू के अंदर ऐसी रैली करूंगा कि इन सब के हौसले टूट जाएंगे, ये जितने पुरानी पार्टी वाले। इसकी जरूरत क्यों है, एक बार मेरे साथ इनकलाब का नारा बुलंद करना और उसके बाद बताता हूं कि इस राजनीति की जरूरत क्यों है। बंद मुट्ठी करके मजबूती के साथ माताएं बहनें बुजुर्ग युवा साथी सभी हाथ ऊपर करके, इनकलाब इनकलाब। बहुत बढ़िया। देखो करंट पूरा है, करंट पूरा आप लोगों में, लेकिन फिर भी क्या कारण है, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, आपके गांव की गलियों की तारों में करंट नहीं है, बिजली नहीं आती है कि नहीं, खराब हालत। चार परिवारों ने राज किया आज तक पूरे मेवात के ऊपर, लेकिन ये चार परिवार आपके गांव तक बिजली नहीं ला पाए। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया हरियाणा के ऊपर, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपके यहां बिजली नहीं ला पाई। 10 साल हो गए बीजेपी को राज करते हुए, लेकिन बीजेपी आपके घरों तक बिजली नहीं ला पाई। हमने पहली सरकार में ही दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी, हर गरीब को, हर अमीर को, हर मजहब के व्यक्ति को, हर जात के व्यक्ति को। हमने पंजाब के अंदर 90% लोगों की बिजली मुफ्त कर दी। पंजाब के अंदर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले भी कांग्रेस वाले भी गुर्राते हमारे ऊपर जब हम कहते हैं कि बिजली मुफ्त करेंगे गरीब आदमी की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुफ्त बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को? चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी आवाज में नहीं मिलती, जोर लगाना पड़ता है। चाहिए कि नहीं चाहिए मुफ्त बिजली? ये जब आम आदमी इस आवाज में बात करता है तो इनके पेट में दर्द होता है। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले मुफ्त खोर हैं। जब हम फ्री बिजली देने की बात करते हैं तो ये कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले मुफ्त खोर हैं। मैंने कहा खट्टर साहब, आप जिस घर में रहते हो वो आपको मुफ्त में मिला हुआ है, आप जिस गाड़ी में चलते हो वो आपको मुफ्त में मिली हुई है, हेलीकॉप्टर में जाते हो तो मुफ्त में जाते हो, घर में 4000 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलती है, जिस जहाज में जाते हो टिकट मुफ्त में, जिस ट्रेन में जाते हो टिकट मुफ्त में, घर में नौकर चाकर मुफ्त में। अगर हरियाणा के अंदर एक भी मुफ्त खोर है तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर सबसे बड़े मुफ्त खोर है, उसके बाद किसी का नंबर आता है। तो इनको मिले तो ठीक, इनको मिले तो ठीक, अगर गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देने की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द हो जाता है। हम लोग ये वादे लेके आपके बीच में आ रहे हैं कि आपको जो मूलभूत सुविधाएं, सिर्फ बिजली की बात नहीं है, बिजली तो आपको समझाने के लिए है, क्योंकि हर महीने बिजली का बिल आता है, हर गरीब आदमी ये सोचता है कि अगली बार कैसे भरूंगा। इतना पैसा आप अपने बच्चों के ऊपर भी खर्च कर सकते हो, उनको भी सुविधा दे सकते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली के अंदर क्या क्या सुविधाएं मुफ्त मिलती हैं वो जरा सुन के देखिएगा। दिल्ली के अंदर हम बिजली मुफ्त देते हैं, हर घर में पीने का पानी मुफ्त देते हैं, दिल्ली में सरकारी स्कूलों में शिक्षा मुफ्त मिलती है, और यहां के आपके जो प्राइवेट स्कूल होंगे एक से बढ़ के एक, उनसे शानदार सरकारी स्कूल है दिल्ली के अंदर, मुफ्त में शिक्षा मिलती है दिल्ली के अंदर। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, अगर किसी के घर में कोई बीमारी आ जाए तो घर बिक जाते हैं गरीबों के, मैंने देखा है। दिल्ली में हमारी सरकार ने सारे सरकारी अस्पतालों में इलाज मुफ्त में मिलता है, चाहे 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का ऑपरेशन हो, सबका इलाज मुफ्त में होता है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में
ये माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, दिल्ली में आप कभी भी चले जाओ बटुआ नहीं निकालना पड़ेगा, किसी भी बस में बैठ के कहीं से कहीं तक चले जाना, दिल्ली में मुफ्त में सफर कर सकते हो आप लोग। और ये जो बुजुर्ग बैठे हमारे, किसी भी तीर्थ पे, किसी भी अपने धर्म स्थल पे आपको जाना हो, कहीं भी आपको जाना हो, तो उसके लिए दिल्ली सरकार मुफ्त में तीर्थ यात्रा योजना हमने लागू कर रखी है हर धर्म के व्यक्ति के लिए। आप अपने अपने धर्म मजहब को जहां भी मानने वाली आपकी जगह, अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आपका रहना खाना पीना आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये मेवात शहीदों की धरती है, यहां के शहीदों ने देश के लिए बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आजाद हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी ने आज तक किसी शहीद को सम्मान देने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। क्या करते थे अभी तक, शहीद के नाम पे किसी चौराहे का नाम रख देते हैं, सड़क का नाम रख देते हैं, उनके नाम पे कोई योजना चालू कर देते हैं, लेकिन उस परिवार के बारे में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया जो देश के लिए जान देते हैं। मुझे फक्र है इस बात का, आम आदमी पार्टी पहली वो सरकार है जिसने शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देना शुरू किया। शहीदों के परिवार को झोली नहीं फैलानी पड़े किसी के सामने, ये इंतजाम अगर किसी ने किया तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया, आम आदमी पार्टी ने किया, इसलिए ये सारे काम हम दिल्ली के अंदर कराते हैं। हरियाणा में इसमें से कुछ भी काम नहीं होता, मैं पूरे हरियाणा में घूमता हूं, मैंने देखा है हरियाणा में इसमें कुछ भी काम नहीं होता। नू से भी और मेवात से भी मेरे पास बहुत फोन आते थे, कहते थे जी आप पूरे हरियाणा में घूमते हो, आप मेवात के इलाके में क्यों नहीं आते। मैंने कहा मेवात का मर्ज बहुत गहरा है, मेवात को इन लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने बहुत गहरे जख्म दिए हैं, एक बार पूरे हरियाणा को समेट लें, उसके बाद मेवात में आके इनका इलाज भी करेंगे जिन्होंने राजनीति को अपनी बपौती बना रखा है। तो आज से इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूं मेवात के अंदर। मुझे पता है आप लोगों के दिल में बसती आम आदमी पार्टी, आप लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हो, मुझे बहुत से युवा साथियों का फोन आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपने बहुत बच्चे पढ़ते हैं यहां के मेवात के, वो सारे युवा ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में करके दिखा दिया वैसा बदलाव मेवात के अंदर भी होना चाहिए। आप सोच सकते हो आजादी के 75 साल बाद भी अगर इलाज कराने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ता है तो इससे शर्म की क्या बात हो सकती है। इतनी सरकारें आई हिंदुस्तान में, आपको एक अस्पताल मुहैया नहीं करा सके जहां पे आपको दवाइयां और इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके। इतनी सरकारें आई, आप अपने यहां के सरकारी स्कूल की हालत बता दो मुझे, सिर्फ गरीब का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, क्योंकि अमीरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, विदेश जाते हैं। इन सारे नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर गरीब का बच्चा पढ़ता है तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इन्होंने सारे सरकारी स्कूलों का सत्यानाश कर दिया, सारे सरकारी स्कूलों का, ना सरकारी स्कूलों में कमरे हैं, ना बैठने के लिए बेंच हैं, ना बिजली का व्यवस्था है, ना पीने का पानी है, हमारी बेटियों के लिए वहां पे गुसल खाने तक नहीं है, और हमारे लड़कों के लिए वहां पे टॉयलेट नहीं है, टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। जिस स्कूल के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, वो बाड़े से ज्यादा कुछ नहीं है। ये हमारे बच्चों को जानवर समझते हैं कि सवेरे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में रोकाओ, शाम को अपने बच्चों को वापस ले आओ, ये हमें जानवरों जैसी जिंदगी देते आए हैं आज तक। मैं आप लोगों से यह अपील करने के लिए आज यहां पे आया हूं। ये अभियान की शुरुआत है। कोई ये कहेगा कि जो पहली मीटिंग हुई थी मेवात में, अनुराग ढांडा जी आए थे तो उसमें हम चंद साथी बैठे थे पार्टी के, मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, यहां की फोटो संभाल के रखना, ये जितने साथी यहां पे बैठे हैं इतिहास में नाम दर्ज होगा जिस दिन हरियाणा के अंदर सरकार बनाएंगे। उस दिन सीना चौड़ा करके बताना कि मेवात में जब पहली मीटिंग लेने के लिए आए थे तो हम वहां पे मौजूद थे, जब ये बाकी पार्टियां सोच भी नहीं सकती थी इतनी बड़ी क्रांति आएगी, उस वक्त हम उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। आप मेवात का कल बनने वाले हो, आप मेवात का भविष्य बनने वाले हो, इसलिए जितने भी युवा साथी आज यहां पे मौजूद हैं, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है जब युवा साथियों को देखता हूं, पुरानी लकीरें तोड़ के
पुरानी जंजीरें तोड़ के आप नई पार्टी के साथ चलने के लिए तैयार हो, नई राजनीति खड़ी करने के लिए तैयार हो। इसलिए कल का जो इनकलाब आएगा वो आप लिखोगे, इसलिए कल जो बदलाव आएगा वो आप लिखोगे, मेवात का भविष्य आपके हाथों लिखा जाएगा, इस बात का हमेशा फख्र करना और ये लड़ाई मजबूती से लड़ना। मैं आज आपका आह्वान करके जा रहा हूं, यहां पे बड़ा आगे लड़ाई होनी है, बहुत भयंकर लड़ाई होनी है। जब मुझसे पूछते थे मेवात क्यों नहीं जाते, तो मेवात इसीलिए नहीं आता था कि जब यहां पे घुसेंगे मेवात के अंदर तो बहुत भयंकर रण होने वाला है यहां पे, और मैं रण छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। मैं आज आपके बीच में कह के जा रहा हूं, यहां अगर गोलियां भी चलेंगी तो सीना आगे अड़ा दूंगा, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे किसी भी हालत में, किसी हालत में इस जंग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये इनकलाब की लड़ाई है, क्योंकि ये बदलाव की लड़ाई है, क्योंकि ये इन बच्चे बच्चियों के सुनहरे भविष्य की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आप सब साथियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये जितनी युवा टीम है, ये DU में पढ़े हुए जितने बच्चे हैं ना, ये सपना देखते हैं वहां पे, ये सपना देखते हैं कि जहां मैं रहता हूं जिस इलाके में, वहां भी कभी ऐसा विकास होगा क्या? हमारे जो कौम के बच्चे हैं वो भी कभी ऐसी पढ़ाई पढ़ पाएंगे क्या? आप सोचिए, आपके यहां से, आपकी कौम से निकल के अब्दुल कलाम जी ने क्या शिखर छुआ, पूरा देश याद करता है, क्या शिखर छुआ, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे। कैसे बैठे सबसे बड़े पद पे? सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पे, गरीब परिवार से आते थे वो भी, सिर्फ अपनी पढ़ाई के दम पे पूरे देश और पूरी दुनिया में लोहा मनवा दिया। आज अरविंद केजरीवाल जी उसी पढ़ाई की, उसी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जैसे जैसे हमारा ये काफिला आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये इनकलाब की, बदलाव की लड़ाई आगे बढ़ेगी, हमारा काफिला बड़ा भी होता जाएगा, मजबूत भी होता जाएगा, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा अभियान, एक रथ यात्रा भी शुरू कर रहे हैं अभी, वो पूरे इस इलाके से होकर के यात्रा गुजरेगी। उस काफिले में सब साथी जुड़ते चले जाएंगे। हमारे जो अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, वो इस इलाके में यात्रा को लेकर के निकलेंगे, और उसमें काफिले में आप सब लोग जुड़ोगे, उसको बड़ा करोगे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप लोगों से अब लगातार मिलना जुलना होता रहेगा, आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। आप सब लोगों को अभिवादन, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत